भी सब आए नहीं है बाद में सब आए वो लाया वो ये अजवा टूर एंड ट्रैवल हज और उमरा सर्विसेज का जो ये दफ्तर यहाँ पर खोला गया है, इसका इनॉग्रेशन आपने किया है। इससे पहले भी कई दफ्तर रजौरी शहर में खुले हैं, लोगों की डिमांड पर नया दफ्तर है। क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह की जो सर्विसेज हैं लोगों को दी जा रही हैं, आपका क्या कहना है इस बारे में? जो हमारे उजवा टूर एंड ट्रैवल जिन्होंने आज यहाँ दफ्तर जो है इसका इनका किया है, इससे यह है कि इन्होंने जो पैकेज रखा है मल्टी पैकेज किस्म का, तो उससे जो आम आदमी को, खासकर जो गरीब आदमी है या मिडिल मैन है, उसको बड़ा फ़ायदा होगा। इसमें जो रेट्स का बड़ा फ़र्क पड़ेगा और हर आदमी की ये कोशिश रहेगी कि मैं इसकी सादत हासिल कर सकूं और उमरा और हज के लिए जा सकूं और फिर रेट्स भी कम। तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने ये बड़ा अच्छा ये प्लान बनाया और यहाँ दफ्तर खोला है। ख़ासकर रजौरी पुंछ के तमाम लोगों को इसका जो है बड़ा लाभ मिलेगा और ये बड़ा कामयाब रहेगा। पहले भी दफ्तर यहाँ हैं खुले हुए, लेकिन जो ये मल्टी पैकेज वाला जो इन्होंने रखा है, इससे जो है आम आदमी, गरीब आदमी, उसको बड़ा फ़ायदा होगा। जहाँ एक तरफ नौजवान, आज नौजवान नस्ल जो है वो नशे की तरफ जा रही है, दूसरी तरफ यही रजौरी शहर के नौजवान हैं जो इस तरह के कामों को सर अंजाम दे रहे हैं, इस तरह की खिदमात जो है नई नई तरीके से ला रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे बाकी नौजवान जो हैं जो गलत राह पर हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? बात यह है कि इस वक्त देखो ये जो फलाई काम है आम लोगों के हक में, तो इससे फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। एक तो लोग जो नौजवान बच्चे हैं उनका रास्ता जो है वो सही रास्ते पर चलते हैं, दूसरा जो बुराइयाँ, सामाजिक बुराइयाँ इस वक्त बहुत ज़्यादा, ख़ासकर ड्रग्स की जो वबा फैली हुई है, तो उनको भी एक किस्म का सबक मिलता है। क्योंकि जब चार आदमी इधर आएंगे तो उनके साथ जो उनके एसोसिएशन होती है, जो सोबत होती है, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो मेरी ये दुआ है और मैं यही चाहूँगा कि ये कामयाब रहे और लोगों को इसका फ़ायदा मिलता रहे। जी आसिफ जी, ये जो अजवा टूर एंड ट्रैवल खुला है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अमित जी, जो अजवा टूर एंड ट्रैवल का एक ऑफिस, आज हमने एक और ऑफिस खोला है, इससे में है, जवाहर नगर में है, वार्ड नंबर 8 में है, और वार्ड नंबर 9 में भी ये अजवा टूर एंड ट्रैवल ने एक ऑफिस खोला है। अजवा टूर एंड ट्रैवल ज़्यादातर हज और उमरा को जो है वो डील करता है। हमारे कई ग्रुप जो है इस वक्त उमरा की सादत हासिल कर चुके हैं, अभी भी हमारा ग्रुप जो है वो कर रहा है। देखिए एक हार्ड एरिया है और यहाँ के लोग, रजौरी पुंछ के लोग ज़्यादातर हज उमरा को के लिए रखते तो थे, लेकिन बट उनको एक सोर्स नहीं था मिलता, जो भी थे सोर्स वो दूर थे। लेकिन बीइंग अ लोकल हमने ये एक काम, हमने कहा कि हम भी इस काम में लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है उस पाक साफ ज़मीन पर पहुँचाएँ। देखिए हमें ये है कि देखिए
नफ़े की जहाँ तक बात रही, वो हमारा मार्जिन अपने लिए बहुत कम होता है, लेकिन हमारा एक कोशिश होती है कि हमारे लोग जो हैं उस पाकसार ज़मीन पर जो है वो जा सकें। इसलिए हमने लोगों की सहूलियत के लिए आज एक यहाँ ऑफिस एक और खोला है, ताकि लोग आसानी से इस ऑफिस में अप्रोच कर सकें। ये ऑफिस जो है ये पुराना शहर जो शहर खास बस स्टैंड जो पुराना बस अड्डा है, बिल्कुल वार्ड नंबर 9 में ये ऑफिस हमारा है। तो इसके लिए हमने अब इसमें थोड़ी सी और मज़ीद लाई है, जो पहले हम एक पैकेज में लोगों को ले जाते थे, तो अब हमने थोड़े सस्ते पैकेज का वो हमने ट्राई की है कि कुछ लोग ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते तो सस्ते पैकेज में भी वो जा सकते हैं। तो हमारी लोगों से गुजारिश रहेगी कि वो जो भी इसमें जो शौक़ रखते हैं वो हमसे ताबता करें।